मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें माँ और बेटा होता है। वो लोग किसी दूसरे शहर जा रहे थे क्योंकि उस लड़के जैक की मदर का ट्रांसफर हो रहा था इस शहर में। जैक यहाँ आकर ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वह न्यूयॉर्क में रहता था पहले। अब वो लोग नए घर में पहुँच जाते हैं और जैक बाहर जाता है अपना सामान लेने के लिए, तो तभी उसे एक नेबर दिखती है जो कि उसी की एज की एक लड़की थी। वो बहुत प्यारी होती है और जैक को अपने पास बुलाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम इंट्रोड्यूस कराते हैं। उस लड़की का नाम हैना होता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हैना के डैड आ जाते हैं और वो जैक से कहते हैं कि तुम हमारे घर क्यों आए हो, आइंदा तुम मुझे हमारे घर के या मेरी बेटी के पास नजर ना आओ। जैक को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। घर आकर जब जैक अपना सामान निकाल रहा होता है तो उसे अपने फादर की पिक्चर मिलती है जिनकी डेथ हो चुकी थी। जैक ये पिक्चर देख के काफी उदास हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक अपनी मदर के साथ अपने कॉलेज जाता है और वहाँ पे उसको एक लड़का मिलता है जो कि उसे कहता है कि फ्राइडे को कॉलेज में पार्टी है, तुम जरूर आना, हम मिलेंगे। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जैक जब वापस घर आता है तो उसे हैना दिखाई देती है जो कि उसे कह रही होती है कि जो कुछ मेरे डैड ने कहा मैं उसके लिए तुमसे सॉरी करती हूँ। तो जैक कहता है कि कोई बात नहीं। हैना कहती है कि क्योंकि तुम यहाँ पर नए हो तो मैं तुम्हें खास जगह पर लेकर जाती हूँ, वैसी जगह तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी और तुम्हें वहाँ पर बहुत मजा आएगा। फिर वो दोनों मिलकर एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। वो वर्किंग में नहीं था यानी काफी साल से बंद था। जैक को हैना के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों काफी बातें करते हैं और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। जैक हैना से पूछता है कि क्या इस वीकेंड पर मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी, तो हैना कहती है कि सोच कर जवाब दूंगी। तभी वहाँ पर हैना के डैड दोबारा आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर पास ना आए तो बहुत पछताओगे। जैक वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर पढ़ने लगता है। इसी दौरान उसे हैना के घर से कुछ आवाजें आने लगती हैं जैसे हैना रो रही हो। हैना के डैड उसे कह रहे होते हैं कि अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, तो हैना कहती है कि मैं नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ बाहर। तो आगे से उसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, और ये आवाजें बढ़ती जा रही थीं, तो जैक को लगता है जैसे वो हैना को मार रहे हैं। वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उसके फादर कहते हैं कि हैना तो दो दिन से घर है ही नहीं, वो अपनी मदर के साथ दूसरे शहर गई है। तो जैक कहता है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है हैना को, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। पुलिस हैना के घर के अंदर जाती है लेकिन उसे हैना नहीं दिखाई देती। जैक की मदर हैना के फादर से माफी मांगती है लेकिन जैक जानता था कि इसने हैना को कहीं पर छुपा दिया है। जैक को समझ नहीं आता कि वो हैना की मदद किस तरह करे। वो अपने उसी कॉलेज फ्रेंड को कॉल करता है जिसने उसे पार्टी का कहा था। जब वो दोस्त इसके घर आता है तो जैक उसे बताता है कि हमारे साथ वाले घर में एक आदमी ने अपनी बेटी को कैद करके रखा है, वो उस पर जुल्म करता है और मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम मेरी मदद कर सको और उस लड़की की। वो दोनों वेट कर रहे थे कि कब उन्हें चांस मिले और कब उसके घर के अंदर जाएं। फिर देखते हैं कि हैना के फादर अपनी गाड़ी लेकर कहीं चले जाते हैं और ये उनके पास एक अच्छा मौका था। वो दोनों हैना के घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन हैरत की बात थी कि उन्हें हैना कहीं पर नहीं दिखाई देती। तो वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर हैना के फादर ने ट्रैप लगाया हुआ था। वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें एक शेल्फ दिखाई देती है जिसके अंदर काफी ज्यादा बुक्स थी जो कि एक ही राइटर की लिखी हुई थी और उनको लॉक लगा हुआ था। जैक का दोस्त उसे बताता है कि ये राइटर सिर्फ हॉरर बुक्स लिखता था और पता नहीं कहाँ गया। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है। वो दोनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और वो बुक उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। उस बुक का लॉक टूट जाता है और वो खुल जाती है। उस बुक में से लाइट निकल रही थी और उस बुक में से बाहर आता है एक व्हाइट कलर का गोरिल्ला जो कि उसी का कैरेक्टर था। वो जैक के दोस्त पर अटैक करता है लेकिन जैक उसे बचा लेता है और फिर वो व्हाइट गोरिल्ला उस घर से बाहर आ जाता है सब कुछ खराब करके और वो बुक्स भी डिस्ट्रॉय करके, और उसमें से एक और बुक का लॉक खुल गया था। इस व्हाइट गोरिल्ला का इस बुक में नाम स्नोमैन था। अब हैना, जैक और जैक का दोस्त भागकर एक आइस गल्फ में आ जाते हैं जहाँ पर आइस थी। हैना कहती है कि हमें स्नोमैन को वापस बुक में भेजना होगा लेकिन स्नोमैन बुक नीचे गिरा देता है। तीनों भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं लेकिन स्नोमैन वहाँ पर भी आ जाता है। वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से हैना के फादर आ जाते हैं और वो बुक खोलकर उस स्नोमैन को उस बुक के अंदर कैद कर देते हैं और फिर अपनी गाड़ी में उन तीनों को लेकर चले जाते हैं। वो बहुत गुस्से में थे। जैक को शक हो रहा था कि इन बुक्स को लिखने वाला हैना के फादर ही है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो हैना के फादर जैक से कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। तो जैक कहता है कि मुझे बताएं असल में बात क्या है। तो हैना के फादर बताते हैं कि जब मैं छोटा होता था तो मुझे एक एलर्जी थी जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता था, तो बाकी बच्चे मेरी खिड़की पर पत्थर मारा करते थे और मैं घर के अंदर ही रहकर ये बुक्स लिखा करता था। मैंने ये सब हॉन्टेड बुक्स अकेले बैठकर लिखी और अब पता नहीं क्या हुआ कि इनके अंदर मौजूद कैरेक्टर जिंदा होने लगे हैं और इसीलिए मैंने इन पर लॉक भी लगाया है। हैना के फादर उसे कहते हैं कि यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं है, इसलिए सारी बुक्स उठाओ, हम कहीं और जा रहे हैं रहने। तभी हैना के फादर देखते हैं कि एक और बुक खुली हुई है और उसके पास ही सोफे पर एक
वुडन डॉल बैठी हुई है जो कि उस बुक का कैरेक्टर थी। हैना के फादर उस डॉल को चालाकी से बुक में वापस भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वुडन डॉल समझ जाती है और सब बुक्स को आग लगा देती है और अपनी आर्मी तैयार करती है छोटे छोटे टॉयज की, जो कि उन सब पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जैक और उसका दोस्त उन टॉयज को जला देते हैं, जिसके बाद फिर से वो टॉयज दोबारा जिंदा हो जाते हैं। वो सब लोग अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर आते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उस वुडन डॉल ने बुक्स चलाने से पहले उसके अंदर के सब मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स बाहर निकाल दिए हैं, जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह उस वुडन डॉल को ढूंढना ही होगा। तो इसके लिए जैक हैना के फादर को आइडिया देता है कि आप एक कहानी दोबारा लिखें, जिसमें ये हो कि सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी बुक्स में वापस चले जाते हैं और यही एक तरीका है इनको वापस उस बुक में भेजने का। तो हैना के फादर कहते हैं कि आइडिया तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जिस टाइपराइटर से मैं ये बुक्स लिखता हूँ वो मैंने कॉलेज में छुपाया हुआ है। वो लोग कॉलेज की तरफ जाने के लिए अपनी कार में बैठते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा इंसेक्ट उनकी गाड़ी रोक लेता है और ये भी उन्हीं बुक्स में से एक कैरेक्टर था। वो उसकी गाड़ी तबाह करने लगता है कि तभी वो लोग पास के एक स्टोर में आ जाते हैं, लेकिन स्टोर में भी एक वेयरवुल्फ था जो कि वहाँ पर रखा गया मीट खा रहा था और फिर उन पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लोग स्टोर का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ भी दरवाजा तोड़ के बाहर आ चुका था और उनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी जैक की आंट वहाँ पर आती हैं, क्योंकि पहले से ही शहर में रहती थीं। वो अपनी गाड़ी से उस वेयरवुल्फ को टक्कर मार देती हैं, जिससे वो बेचारा डस्टबिन में जाकर गिरता है और काफी जख्मी हो जाता है। जैक अपनी आंट से कहता है कि आप मेरी मदर के पास जाएं। वो सब लोग कॉलेज तक जाने के लिए कब्रिस्तान यानी ग्रेव यार्ड का रास्ता चुनते हैं। वहाँ पर जैक देखता है कि मून लाइट से हैना चमक रही है, ग्लो कर रही है, और तभी वहाँ पर सब ग्रेव से मुर्दे बाहर आने लगते हैं। वो डेड बॉडीज उन पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सब जैसे तैसे करके कब्रिस्तान के गेट से बाहर आ जाते हैं और अब वो जाते हैं कॉलेज की तरफ। वो लोग कॉलेज पहुंचते ही टाइपराइटर ढूंढना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान हैना के फादर जैक को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज बता देता हूँ कि हैना क्या है और वो मूनलाइट में क्यों ग्लो कर रही थी। इनफैक्ट वो भी मेरा लिखा गया एक कैरेक्टर है। मैं बहुत अकेला रह गया था और इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं एक बुक लिखता हूँ और उसमें एक ऐसा कैरेक्टर बनाता हूँ जो कि बिल्कुल इंसान जैसा और दुनिया को भी रियल लगे। और फिर मैंने उस बुक को खोलकर हैना को बाहर निकाल लिया, पर इसीलिए मैं उसे बाहर नहीं जाने देता था या लोगों से नहीं मिलने देता था ताकि किसी को पता न चल जाए। इवन ये बात हैना को भी नहीं पता, वरना उसे बहुत दुख होगा। जैक समझ जाता है कि हैना के फादर दिल के अच्छे हैं। तभी वहाँ पर हैना आती है और उनको बताती है कि टाइपराइटर मिल गया है। तो हैना के फादर कहते हैं कि तुम लोग कॉलेज के सब दरवाजे बंद कर लो ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ ना आ सके। मैं अकेले में बुक लिखूंगा, उतनी देर तुम लोग कहीं चले जाओ इसी कॉलेज के अंदर। अब वो तीनों मिलकर कॉलेज की पार्टी में जाते हैं जो कि हॉल में हो रही थी। वहाँ जाकर जैक सबको बताता है कि आप अपना ख्याल रखें क्योंकि मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, कोई दरवाजा मत खोलिएगा वरना वो कॉलेज के अंदर भी आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर तो वो बड़ा कीड़ा पहले से ही मौजूद था, हो सकता है कि वो इनका पीछा करते करते यहाँ पर आ गया हो। वो वहाँ पर मौजूद एक गार्ड पर अटैक कर देता है। तो जैक उन सबसे कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को किताब में वापस भेजने के लिए उनके राइटर इसी कॉलेज के अंदर एक बुक लिख रहे हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है कि कोई मॉन्स्टर उनके रूम में न जा सके। तो वो सब उस दरवाजे के आगे सामान रखने लगते हैं। कॉलेज के बाहर हम देखते हैं कि वो वुडन डॉल भी आ चुकी थी और वो सब बुक्स खोल के उसके मॉन्स्टर कैरेक्टर्स बाहर निकाल लेती है और बुक्स को चला देती है। उसने अपनी पूरी एक आर्मी तैयार कर रखी थी जो कि इंसानों के खिलाफ लड़ने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना के फादर वो बुक लिख रहे होते हैं एक हॉल में, लेकिन तभी वहाँ पर वो वुडन डॉल आ जाती है। हैना के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वुडन डॉल उनकी उंगलियाँ इंजर्ट कर देती है जिससे वो टाइप न कर सके। जैक और हैना भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनको वहाँ से लेकर बाहर आ जाते हैं जहाँ पर कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स थे। उन लोगों ने अपने साथ टाइपराइटर भी उठा लिया था। हैना के फादर काफी परेशान होते हैं कि अगर जल्दी इसका कोई हल ना निकाला गया तो ये मॉन्स्टर कभी भी वापस नहीं जाएंगे और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वो उन लोगों से कहते हैं कि देखो वुडन डॉल क्योंकि मेरे पीछे है, तो अगर मैं बाहर जाऊंगा तो वो वुडन डॉल मेरे पीछे पीछे आएगी और उसी को फॉलो करते हुए बाकी मॉन्स्टर्स भी, जिससे ये होगा कि ये जगह खाली हो जाएगी उन मॉन्स्टर्स से और हम कोई प्लान बनाएंगे जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स एक साथ ही मारे जाएं। फिर हम देखते हैं कि वुडन डॉल बाहर होती है और तभी वहां पर एक स्कूल बस आ रही होती है जो कि कॉलेज से बाहर निकलती है। उस वुडन डॉल को लगता है कि इसके अंदर वही लोग हैं जो कि कॉलेज से भाग रहे हैं, तो वो सब मॉन्स्टर्स को उस बस के पास भेजता है और सब मॉन्स्टर्स उस बस के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही बस का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर हैना के फादर या कोई और नहीं बल्कि
पीछे एक और नकली इंसान था और उस बस में एक ट्रैप लगा हुआ था कि उसका दरवाजा खोलते ही वहाँ पर एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, बॉम्ब एक्सप्लोड होते ही वहाँ मौजूद सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरी स्कूल बस में जैक, हैना, हैना के फादर और जैक का फ्रेंड जा रहे होते हैं। वो लोग एम्यूजमेंट पार्क की तरफ जाते हैं जहाँ पर शुरू में जैक और हैना गए थे। वहाँ पर जैक टाइपराइटर पर वही टाइप करने लगता है जो कि हैना के फादर उसे बता रहे थे, क्योंकि मॉन्स्टर्स अभी भी मरे नहीं थे। वो उस बॉम्ब की वजह से कुछ टाइम के लिए रुके जरूर थे, लेकिन वो बुक के बगैर मर नहीं सकते थे। वहाँ पर वो वुडन डॉल भी आ जाती है जो कि एक आखिरी बची बुक को खोल देती है और उसमें से बहुत खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है। वो ऐसा मॉन्स्टर था कि जो भी कोई उसके पास आता वो उसे खा लेता। तो हैना के फादर जैक को कहते हैं कि आगे की कहानी तुम खुद लिखो, तो मुझे समझदार लगते हो, और खुद वो चले जाते हैं उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही हैना के फादर उस मॉन्स्टर के सामने जाते हैं तो वो उन्हें निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जैक, जैक के फ्रेंड और हैना को देखते हैं जो कि वो बुक कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो वुडन डॉल देख लेती है। वो सब मॉन्स्टर से कहती है कि उनकी तरफ बढ़कर उन्हें रोको। वो एक चूल्हे पर बैठे होते हैं और उन मॉन्स्टर के अटैक से उनका चूल्हा नीचे गिर जाता है, लेकिन शुक्र है कि वो लोग सेफ थे और जैक ने वो बुक भी पूरी तरह लिख ली थी। लेकिन इस बात का पता उन मॉन्स्टर्स को नहीं था कि इतनी जल्दी कोई बुक कैसे लिख सकता है, लेकिन ये जैक की इंटेलिजेंस थी, उसने वो बुक लिख ली थी। अब बस बाकी बचा था उस बुक को खोलना, और फिर सारे मॉन्स्टर्स उस बुक के अंदर चले जाते। सब मॉन्स्टर्स के साथ साथ हैना भी उस बुक के अंदर चली जाती जो कि जैक नहीं चाहता था। तो सोच में पड़ जाता है कि मैं बुक खोलूं या ना खोलूं, और इससे पहले वो हैना को बताने की कोशिश करता है कि तुम भी एक फिक्शनल कैरेक्टर हो इस बुक का। तो हैना कहती है कि मैं जानती थी, मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे साथ रह के ये फील करवाना चाहती थी कि मैं भी एक इंसान हूँ। और वो फिर जैक से जबरदस्ती वो बुक छीनती है और नीचे जमीन पर रख कर खोल देती है, और बुक के खुलते ही आसमान से कोई वाइट रोशनी आती है और सारे मॉन्स्टर्स उस बुक के अंदर चले जाते हैं, इवन वो वुडन डॉल भी जो हैना के फादर को मारने के करीब थी। और वो कहता है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि हैना भी ग्लो करने लगती है और उस बुक के अंदर जाने लगती है, लेकिन जैक काफी सैड था। वो ये नहीं चाहता था कि वो बुक के अंदर जाए। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हैना बाकी मॉन्स्टर्स की तरह उस बुक के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैक और हैना के फादर बहुत ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। फिर हम देखते हैं कि शहर के हालात पहले की तरह हो गए थे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन जैक अभी भी हैना को बहुत मिस करता था। और फिर एक दिन वो कॉलेज जाता है तो उसे हैना के फादर वहाँ पर दिखते हैं जो कि वहाँ पर प्रोफेसर लग चुके थे। ऑफ टाइम पर वो लोग हैना के बारे में बातें करते हैं कि तभी जैक को हैना दिखाई देती है। तो हैना के फादर जैक से कहते हैं कि सरप्राइज, ये देखो मैंने एक नई बुक लिख ली जिसके जरिए हैना इस दुनिया में वापस आ गई, क्योंकि मैं जानता था कि तुम हैना को पसंद करने लगे थे और हैना भी। जैक और हैना एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और हैना के फादर भी बहुत खुश होते हैं। फिर हम हैना के फादर को टाइपराइटर के सामने देखते हैं और उस टाइपराइटर पर कोई अपने आप टाइप कर रहा होता है और उस पर ये लिखा था द इनविजिबल बॉयज रिवेंज, यानी एक ऐसा मॉन्स्टर था जो कि इनविजिबल था और वो उनसे रिवेंज लेने वाला था। ये देखकर हैना के फादर के गूस बम्स खड़े हो जाते हैं कि अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।